देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है फायर स्टिक के साथ, जब वो बफरिंग करने लगता है, आपके चैनल्स बफर करते हैं और आप इतना परेशान होते हैं कि स्पीड क्यों नहीं मिल रही है, और ये चक्कर में उधर इसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती है, सिर्फ सिंपल से 5 स्टेप्स करिए तो डेफिनेटली आपके फायर स्टिक जो स्लो चल रही है, आपका डेटा बफर हो रहा है, वो डेफिनेटली काम करेगा। देखिए जो सबसे पहला स्टेप है वो आपका इंटरनेट का इशू हो सकता है, इंटरनेट का इशू सिर्फ इंटरनेट का इशू हो सकता है, उसके लिए पहला स्टेप आप देखिए उसको करना क्या आपने। चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको सब कुछ मिलने वाला है, सारे गैजेट्स के ऊपर मिलेगा आपको, सारे पावर बैंक्स फायर स्टिक्स सब कुछ आपको मिलने वाला है इस चैनल पे। ओके, तो आपको सबसे पहले अपने इंटरनेट को चेक करना है। इंटरनेट को चेक करने के लिए यू हैव टू गो टू द सेटिंग्स, यहाँ सेटिंग्स का बटन दबाना है आपने। सेटिंग्स पर जाकर आपको देखेगा नेटवर्क, आप नेटवर्क को क्लिक करिए, जैसे नेटवर्क क्लिक करेंगे ये आपको बताएगा कि आपका कनेक्टेड है, क्योंकि ऑलरेडी अभी इंटरनेट आपका कनेक्टेड होगा, ये तभी आप चेक कर सकते हो। अगर आपका नया फायर स्टिक है और आपका अगर कनेक्टेड नहीं है तो आपको पहले अपने कनेक्ट करें अपने वाईफाई के साथ, नेटवर्क को खोलिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा प्रेस, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर देखिए प्रेस प्ले बटन, इस प्ले बटन को दबाना है आपने। जैसे आप प्ले बटन दबाएंगे रिमोट पर से, ये कनेक्शन इसने चेक किया, आप देखिए कनेक्शन सेट ऑफ एयरटेल PS 5G जो भी है 5 GHz का स्पेक्ट्रम होना चाहिए, 2.4 GHz का तो ऑलरेडी स्लो रहता था, अब इसने पूरा चेक किया, कनेक्टिव वाईफाई वेरी गुड, चैनल 36 क्वालिटी है वेरी गुड, कनेक्टेड टू इंटरनेट ऑल्सो, ये कह रहे हैं काफ़ी अच्छा, और रिकमेंडेशन ने कुछ नहीं बोली। अगर रिकमेंडेशन में आपके में कुछ आ रहा है तो डेफिनेटली आपको उस पर वर्कआउट करना पड़ेगा, और जो भी उसमें इशूज आएंगे अपने इंटरनेट प्रोवाइडर से बात करिए और वो डेफिनेटली आपका रिजॉल्व हो जाएगा, क्योंकि आपके इंटरनेट की स्पीड की वजह से ये बफरिंग काफ़ी हो जाती है, और ये बफरिंग अगर कुछ प्रॉब्लम होगी यहाँ पर आपको लिखा आ जाएगा, डेफिनेटली लिखा आएगा, और आप प्लीज़ उस पर एक्शन लीजिए। ठीक है, अगर आपका इंटरनेट स्पीड में कोई इशू नहीं आया और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है तो अब ये स्टेप 2 आपको फॉलो करना पड़ेगा, ये आपकी एप्लीकेशन के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि कई बार आप क्या करते हैं भर लेते हैं अपना फायर स्टिक एप्लीकेशन फ़ोन की तरह, भरते जाते हैं। चलिए स्टेप 2 पर बात करते हैं। अभी जो इंस्टॉल्ड जितने भी आपकी एप्लीकेशन हैं आपके फायर स्टिक में, उसके लिए भी आपको यहाँ पर आकर सेटिंग्स में जाना पड़ेगा। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको आपका एप्लीकेशन दिखेंगी, ये टैब आपको हो सकता है आपका अगर 3rd जनरेशन है या फिर किसी और जनरेशन का तो थोड़ा बहुत इधर हो सकता है, बट आपको एप्लीकेशन में ही जाना है। एप्लीकेशन हम जैसे जाएंगे आपके पास नीचे ऑप्शन आएगा मैनेज इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन, इसको क्लिक करिए, देखिए आपकी सारी एप्लीकेशन खुल जाएंगी। अगर आप देखेंगे कितना कितना क्या, कई बार क्या होता है कि आप अननेसेसरी आपने एप्लीकेशन रखी होती है, आपको प्लीज उसको उड़ा दीजिए, क्योंकि वो क्या होगा आपकी मेमोरी ज़्यादा खाएगी, और मेमोरी ज़्यादा खाने की वजह से आपकी स्टोरेज कम हो जाएगी, स्टोरेज कम होगी तो डेफिनेटली आपका बफरिंग करेगा और लोड होगा। ये वैसे ही होता है जैसे हम पुराने कंप्यूटर्स पर चलाते थे और वो काफ़ी देर तक लोड करते थे कि एप्लीकेशन को दूसरे एप्लीकेशन नहीं चला पाते थे, तो सेम कहानी इसके साथ भी होगी। अब आप देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे सबसे बेस्ट टिप्स ना कोई मिलने वाली है, देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ आपको सारा दिख रहा है, इंटरनल स्पेस कितनी है 2.89 GB ऑफ 5.94 GB अवेलेबल। अगर ये 1 GB आपकी स्पेस नहीं है, जैसे मैंने 2.89 खा लिया, अगर आपकी 1 GB से कम है तो प्लीज़ अपनी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिए। लेकिन अब आप बोलेंगे कि ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करे बिना मतलब आपको स्टोरेज भी बढ़ानी है, अगर आपने स्टोरेज बढ़ानी तो मेरे देखिए यहाँ इस वीडियो के ऊपर मैं लिंक डाल देता हूँ, वो एक और वीडियो है जिससे आप अपनी स्टोरेज बढ़ा सकते हैं, वो वीडियो को लिंक क्लिक करिए और अपनी फायर स्टिक की स्टोरेज बढ़ा सकते हैं आप खुद। देखिए अब हम बात करते हैं स्टेप 3 के बारे में। स्टेप 3 ये है कि अगर आपके दोनों इंटरनेट भी आपका काफ़ी अच्छा चल रहा है और आपकी एप्लीकेशन भी ठीक है, तो स्टेप 3 है आपको बैकग्राउंड में आपने कई सारी एप्लीकेशन चला रखी होती हैं और जैसे मोबाइल भी हम उसको क्लियर ऑल करते थे, आप इसमें फास्ट कर नहीं पाते, तो उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी पड़ेगी। चलिए इसको देखते हैं आगे कैसे करना है। जो बैकग्राउंड में जो एप्लीकेशन चलती हैं उसके लिए भी आपको पहले एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी पड़ेगी। आप जाइए इसमें अपने ऐप लाइब्रेरी में जाइए, यहाँ पे सर्च करिए, आप इसमें लिखिए बैकग्राउंड, जैसे आप बैक लिखेंगे ये देखिए ये बैकग्राउंड एप्स एंड प्रोसेस लिस्ट, इस एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। एक बार ये जैसे ही इंस्टॉल होगी, ये जैसे ही आपका इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद ही आपको पता चलेगा, क्योंकि क्या होता है ना कि सबसे ज्यादा ये जो एप्लीकेशंस प्रॉब्लम करती हैं ना, जो कि आप मल्टीपल एप्लीकेशन इकट्ठा खोल देते हैं, वो बैकग्राउंड में उसके थ्रेड चलते रहते हैं, तो वो एक सबसे बड़ा रीज़न होने लग गया आजकल, सबसे मेजर रीज़न होने लग गया कि जो आपकी एप्लीकेशंस को वो स्लो करता है और आपको बफरिंग करता है। तो बफरिंग ना करने के लिए आपको यहाँ पर इसको खोलना पड़ेगा। अब ये देखिए अभी आपसे पूछेगा स्क्रॉल डाउन, ओके तो आप इसको गॉट इट। देखिए जैसे ही आप इस ऐप को जब भी खोलेंगे ऊपर लिखा रहा क्लोज मल्टीपल सिस्टम यूजर वेट लिस्ट क्लोज ऑल ऐप, ठीक है, तो वो आप इससे भी कर सकते हैं, और नीचे आप देखेंगे ये दो मेरी ऐप खुली पड़ी हैं,
ठीक है, तो आप ऊपर जाकर भी क्लोज ऑल ऐप कर देंगे तो सारी की सारी ऐप्स बंद रहेंगी, और आप मैनुअली करोगे इसको करना, तो आप उसको खोलिए, आपको वो ऐप खुलेगी यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है फोर स्टॉप, आपको यहाँ जाके इसको फोर स्टॉप कर देना है और फिर बैक कर देना है इसको। अब देखिए वो ऐप बंद हो गई। अब नेटफ्लिक्स पे जाएंगे, यहाँ जाके हम इसको फिर फोर स्टॉप करेंगे, फोर स्टॉप किया, बैक किया। अब देखिए ये सारी आपकी जितनी एप्लीकेशंस थी वो बंद हो चुकी हैं, और यहाँ पे आपको लिखा दिख रहा है नो ऐप्स ओपन, तो इसका मतलब कोई आपकी ऐप नहीं खुलेगी। आपके पास अगर माउस है तो माउस से भी कर सकते हैं, एनी वे आप कर सकते हैं, स्टिक से सब कुछ हो जाता है। इसमें ऑप्शंस काफ़ी मिल जाते हैं ऊपर रिफ्रेश का सिस्टम का। अब क्या होगा ना, आपकी जितनी भी बैकग्राउंड में जो डेटा खा रही थी ना एप्लीकेशन, वो सारी की सारी बंद हो चुकी हैं इस पर, और आपको पता चल जाएगा कि स्पीड कितनी तेज होने वाली है आपकी फायर स्टिक की। अब चलते हैं स्टेप फोर की तरफ। स्टेप फोर में क्या होता है कि जैसे कि आपकी जितनी भी कैश मेमोरी है या फिर आपकी जितना भी डेटा आप अंदर उसके अंदर भरे जा रहे हैं, तो कुछ कैश मेमोरी टेम्प्रेरी मेमोरी बोलते हैं इसमें, उस टेम्प्रेरी मेमोरी भर जाती है, तो वो भी बफरिंग का काफ़ी बड़ा इशू होता है। इसको देखिए कैसे इसको आपने क्लियर करना है और कैसे आप आगे बढ़ें इसमें। इसके लिए भी आपको सेटिंग्स में जाना पड़ेगा, क्योंकि होता ये ना कि कई बार आपका सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा होता, आपको रिस्टार्ट की जरूरत पड़ती है। मोबाइल फ़ोन को रिस्टार्ट कर लेते हैं पावर ऑफ करे बिना रिस्टार्ट करने का, तो बार बार उठने की जरूरत नहीं है आपको अपने जाने माई फाई स्टिक में। जैसे माई फाई टी में जाएंगे आप, उसे क्लिक करिए, इसमें ऑप्शन आ जाता है रीस्टार्ट, रीस्टार्ट का बटन दबाइए। जैसे आप रीस्टार्ट का बटन दबाएंगे, ये आपका सिस्टम आपसे पॉपअप पूछेगा रीस्टार्ट करना नहीं करना, आप उसको रीस्टार्ट दबा दीजिए और वो आपका दोबारा से रीस्टार्ट होगा। रीस्टार्ट करने का फायदा, सबसे बड़ा इसका फायदा ये हो जाएगा कि जितनी भी आपकी मेमोरी इसके अंदर कैश मेमोरी है वो क्लियर हो जाएगी। कैश मेमोरी क्लियर करने का और भी ऑप्शन होता है, बट सबसे बेस्ट तरीका उसको रीस्टार्ट कर दो, कैश मेमोरी पूरी क्लियर हो जाएगी और ऑटोमेटिकली आपका ये फायर स्टिक रिबूट हो जाएगा। रिबूट होने के बाद देखना आपकी बफरिंग प्रॉब्लम चली जाएगी डेफिनेटली। ठीक है, लास्ट इसमें स्टेप फाइव है। स्टेप फाइव में आपने क्या करना है, कई लोग वीपीएन यूज़ करते हैं, मींस किसी और कंट्री में बैठे हुए हैं और इंटरनेट कहीं का यूज़ कर रहे हैं, तो वीपीएन का मतलब है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो इसमें क्या होता है, आपका आईपी एड्रेस हट जाता है, तो जो उस कंट्री के ऑब्लिगेशन हैं या उस कंट्री का जितना भी आपका रिस्ट्रिक्शन है वो हट जाते हैं, क्योंकि आपका किसी और कंट्री में चला जाता है। तो वीपीएन क्या होता है, एक सर्वर होता है, सर्वर के अंदर अगर आप कुछ भी देखेंगे तो वो थोड़ा स्लोनेस होती है उसमें, तो जो भी आप उसमें देखेंगे हो सकता है आपका वीपीएन का इशू, तो वीपीएन से अपनी कंपनी से बात करिए, क्योंकि कई कंपनियां वीपीएन वाली वो डेटा आपको दे तो देती हैं लेकिन वो काफ़ी स्लो आता है, बिकॉज दैट कम्स फ्रॉम इट सर्वर, पहले सर्वर पे आएगा, सर्वर से आपके पास आएगा, तो वो एक लैग आ जाता है। अगर वो लैग आ रहा है तो आपने वीपीएन को चेक करिए या अपनी वीपीएन जो प्रोवाइडर है उससे बात करिए, डेफिनेटली आपको वीपीएन की वजह से इशू है, अगर उसको ठीक कर लेंगे तो आपका लैग आना बंद हो जाएगा। तो देखिए सिंपल से पांच स्टेप्स हैं, मुझे कमेंट करके बताइए कि आपका किस स्टेप से आपका बफरिंग इशू सॉल्व हुआ, क्योंकि आई विल वेरी हैप्पी टू नो दैट कि किस स्टेप से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई। और अगर आपको लगता है कोई और प्रॉब्लम आ रही है आपको फैसले को, प्लीज़ कमेंट करिए, मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा या आपको उसी टाइम रिप्लाई करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ इसे शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, सो दैट ऐसे नॉलेजेबल वीडियोज आपको मिल सके डे बाई डे।